हैप्पी दिवाली खूबसूरत दोस्तों। तो आज आपको मैं अपने साथ रखने वाली हूँ कुकिंग के प्रोसेस में। सो चने ऐसे हो चुके हैं एंड दाल भी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है। सबसे पहले इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें मैं सूखे खड़े मसाले ऐड करूँगी एंड अच्छी तरह अनियन को क्रश करके एंड ऑल्सो थोड़ा सॉल्ट पेपर एंड सीजनिंग एंड चने को बॉयल कर लेंगे। चने बॉयल हो चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं चाय पत्ती का, थोड़ा काला करने। तो इनमें से थोड़े चने मैं निकाल के रखने वाली हूँ फ्रिज में चाट के लिए, क्योंकि चाट पे ठंडा सामान अच्छा लगता है। बाय द वे अगर आप जानना चाहते हैं पीछे ना कुछ चल रहा है, मैं देख रही हूँ सेंसिटिव स्किन, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चने हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल चाट में। मुझे लगता है कि चने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो मटर, जो चने जैसे होते हैं मटर, वो आप बॉईल करके वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो वाइट चने रेडी हैं तड़का लगाने के लिए। तड़का मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ, पर उससे पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ पूरी के लिए एंड ऑल्सो ये दाल को ड्रेन कर लेते हैं। इसे हम फिर ग्राइंड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर। मेरी सिंक थोड़ी भर चुकी है क्योंकि अर्लियर हस्बैंड ने ओट्स बनाए थे एंड वो बहुत ही बखूबी से भर देते हैं मेरी सो वो सिंक को भरने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो उसको थोड़ा खाली कर लेते हैं क्योंकि जब सिंक भरी हुई होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कुक करते समय। मुझे अच्छा लगता जब खाली होता, क्लीन होता सब कुछ, ताकि मैं कुक करते जाऊँ क्लीन करते जाऊँ। दाल रेडी है, क्लीन क्लीन में। नाउ एंड इसने बहुत शोर मचा के रखा है और मेरे वेब सीरीज में लास्ट टाइम मैंने ना वाइट चने बनाए थे ना, उसमें मैंने जो जिंजर डाला था ना, वो जिंजर में बाल लाइक मुच्छों वाला जिंजर था और उसको मैंने ना सारी चीज़ों के साथ ब्लेंड कर लिया और मैं इतना ध्यान नहीं दिया। पर जब मैंने लाइक करी कुक कर दी तो मुंह में बार बार आ रहे थे और बहुत ही अजीबन डिस्कस्टिंग। बहुत मुश्किल से हमने वो क्या बोलते हैं करी को फिनिश किया, बहुत मुश्किल से छोले फिनिश किए हमने। और इस बार मैंने सोचा कि जिंजर को पहले अकेला करके देख लेती हूँ कि उसमें वो यू नो धागे से तो नहीं है। सो अब मैं टमाटर एंड ग्रीन चिली के साथ करने वाली हूँ, यही मेरा मिक्सचर होने वाला है। क्योंकि आपने अर्लियर देखा कि मैंने जब चने बॉयल किए ना तभी मैंने उसमें अनियन ऐड कर दिए थे। और अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे कुकिंग चैनल पे है। अगर आप यू नो मेरे साथ बातचीत नहीं करना चाहते, सीधा रेसिपी देखना चाहते तो आप कुकिंग चैनल पे देख सकते हैं। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सिमर कैन कुक और आप छोले रेसिपी एंड मेरा नाम लिखेंगे सर्च में तो आ जाएगा। सो इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। इसके ना दो डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप दोनों चीज़ों को एक ही समय पे कर सकते हैं। और ये छोटू है ना, इसमें गार्लिक एंड जिंजर के लिए परफेक्ट है क्योंकि बड़े वाले में बेचारा ग्वाच जाता है, इससे वो अच्छा क्रश हो जाता है। सो अब मैं टमाटर एंड चिल्ली को डाल के क्रश करके रख लेती हूँ। सो दाल को ग्राइंड करने से पहले भी मैं जिंजर गार्लिक
एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड करना चाहती हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ है, इसको दाल में ऐड करके मुझे लगता है कि एक ही बार में हो जाएगा, इसी में कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत पतला अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा टेक्स्चर फील होता अच्छा लगता है, लाइक पंजाबी स्टाइल पल्ले बिल्कुल एक पतला सा पाउडरी कर लेते ना, वो इतना मज़ा नहीं आता। वो करने के लिए आपको थोड़ा ग्राइंडर यूज़ करना पड़ेगा। सो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, लाइक थोड़ा सा जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, एंड इसमें मैं करूँगी सॉल्ट एंड काला काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली भी कर देंगे। इसको ना मैं कंटेनर में निकाल के रख दूंगी, इससे ना वो थोड़ा और फर्मेंटेड सा हो जाएगा एंड फिर वो पल्ले एंड सॉफ्ट सॉफ्ट पल्ले बनेंगे। ओके, सो इस तरह का तैयार हुआ है ये। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो चंगी तरह फेंट के करेंगे और सॉफ्ट सॉफ्ट पल्ले बनेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी लेटर। फिर इसे छोड़ देते हैं, अब आटा गूंद लेते हैं। मुझे लगता है कि हम इससे डन है तो इसे भी यहाँ पे हटा देते हैं कि जगह ज़्यादा बन जाए काम करने के लिए। पूरी के आटे की रेसिपी ना मैंने किसी पिछले व्लॉग में शेयर की है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और सफाई का हम काफ़ी ध्यान रखेंगे कि साथ साथ अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहो ना तो फिर एकदम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। और बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि मैं क्लीनर के लिए क्या यूज़ करती हूँ। ये मिसेस मायर्स का क्लीन डे ऑल पर्पज़ क्लीनर है, इसमें कोई बुरे केमिकल्स नहीं हैं। और जो सेंट मैं यूज़ करती हूँ वो है लैवेंडर। एक बार मैंने इसको ख़रीदा है, अगली बार मैंने ख़रीदा है कॉन्सेंट्रेट, जिसको थोड़ा सा ऐड करो उसके बाद पानी से रीफिल कर लो, वो मुझे लगता है ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। वो मैंने अमेजोन से लिया है, बट सेम लेवेंडर, क्योंकि लेवेंडर बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है एंड जब मैं क्लीन करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अदरवाइज़ क्योंकि मुझे रूमेटॉइड है और जब मैं कोई हार्श केमिकल मेरे अंदर जाते हैं ना तभी मेरा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो आपके लिए अच्छे भी नहीं है और इम्यून सिस्टम को लगता है कि कुछ डेंजरस है, या तो मुझे एलर्जीज हो जाएंगी या मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। अगर आप कोई अच्छा टिकाऊ क्लीनर ढूंढ रहे हैं ना जो आपकी बॉडी के लिए भी बुरा ना हो, सो ये वाला ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड सॉफ्ट एंड गुड है। तो आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा है कि जल्दी से इमली की चटनी बना लेते हैं। इमली को मैं पानी में भिगो लेती हूँ, गर्म पानी में, और जब वो अच्छी तरह पल्प छोड़ देता है तो उसे हम एक पैन में निकालेंगे। पैन में इसको निकालने के बाद इसकी सीजनिंग करेंगे। मैं डालती हूँ काली मिर्च, नमक एंड लाल मिर्च, एंड ऑल्सो इसको अब बॉयल करने देंगे। खूब सारे उबाले आएंगे और इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी थोड़ी स्मूथ चटनी बनाने के लिए, पर उसे पानी में मिक्स करके, अदरवाइज लम्प्स बन जाएंगे। I keep on forgetting, times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why. When life is beautiful, I start to fear it'll slip through my fingers and just disappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea sand.
चटनी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और इसमें सिर्फ काली मिर्च एंड नमक एंड थोड़ा सा चाट मसाला। सिंपल ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर से ट्राई करना। दोस्तों रुम्बा अभी भी बेचारा काम कर रहा है क्यूरी पाई और मैंने घर ही चटनी बना ली है। लाल भी ऑलमोस्ट होने वाली है, उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऐड किया है थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए चटनी को। एंड अब मैं चने को तड़का लगाने वाली हूँ, उसके बाद हम फ्राइंग का काम शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। It's been a week, but it feels so much longer. And knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes. लाल चटनी मुझे लग रहा रेडी है, उसको भी निकाल लेते हैं। But you didn't wait. You're over there posting pictures beside her. I'm still here learning how to live without you. So आज मैं little bit tomato paste भी add करने वाली हूँ, क्योंकि इससे रंग भी अच्छा हो जाएगा and थोड़ा और खटास आ जाएगी। मुझे लग रहा है चने थोड़े खट्टे अच्छे लगते हैं। So just this one. Oh, is she just a shortcut? Was being alone too much? You had to find a shortcut, a shortcut. So, इस पॉइंट पे मैं कुछ चने मसाले में ऐड करती हूँ एंड इनको क्रश कर देती हूँ एंड अच्छी तरह एक पेस्ट सा बना लेते हैं ताकि बहुत अच्छी प्यारी सी ग्रेवी बने। हमें इसे करेंगे मैश, थोड़ा ध्यान से क्योंकि नॉन स्टिक है और उस पर मैं ये नहीं यूज़ करना चाहती। सो थोड़ा प्यार प्यार से मैश कर देंगे एंड देन इस मसाले को हम हमारे चने में ऐड करेंगे। यस नाइस। वाज बीइंग अलोन टू मच दैट यू हैड टू फाइंड अ शॉर्टकट अ शॉर्टकट। सो ये प्यारी सी पिद्दी कढ़ाई रखी है मैंने फ्राई करने के लिए चीजें। ये ना सारा टाइम यहीं पे घूमता जा रहा है, इनको पता नहीं की प्रॉब्लम है। अन्ना घर होर पास जाना, तुम्हें पैरों से बची होना बार बार। आई थिंक ये काम करने का मन नहीं है और ये चाहता है कि मैं कहूँगी ओके लीव इट, मैं भी नहीं कहना तो ये आ जो मर्जी। और इसमें थोड़ा फ्रेश ऑयल ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। ओके ये कढ़ाई की हालत पर मत जाना, ये कढ़ाई सिर्फ फ्राई करने के लिए रखी गई है, इसे हम ऐसे ही रखते हैं अराउंड दिस मच। अच्छा है ये पिद्दी कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कम ऑयल से आपका चल जाता है। तो सबसे पहले पल्ले फ्राई करते हैं, तो मैं मेरे कहने का ये था कि ऐसे ऐसे फेंट हो ना फ्लफी हो जाते हैं, एयर हो जाती है अंदर एंड देन आप इसको फ्राई करें। ओके गाइस एक मजबूत हाथ खाए हैं इसको गाय की फेंट दे ताकि फ्लफी बने। कह रहे कड़ी पत्ता नहीं पाया, पंजाबी पल्ले में भी कड़ी पत्ता पाएंगे तो कैसे चलेगा। ओके गाइस तो इस तरह ये फ्लफी हो गया, आपने देखा इसकी अमाउंट भी बढ़ेगी और अब ये बहुत अच्छे बनेंगे। आर यू रेडी डैडी टू ईट? It was sweet for a moment this love I never knew. It called me little dreamer and said I'd be okay. I let go of my ambitions and promised him I'd stay.
Now all of my dreams are floating like a river. Go guys, look how nice and fluffy they are. Ekdam super aa gaya and thoda thoda kara hai na full liye. सो इनकी ना मैं चाट बनाने वाली हूँ, तो इसलिए क्या है कि इसको सीधा मैंने पानी में ऐड कर दिया. इससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है. तो हस्बैंड के लिए बनाऊँगी मैं. एंड कुछ और मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास. मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको मैं सीधा चाट ही बना के दे दूँ, सारे जाने खा लेंगे वो. व्हाट डू यू गाइस थिंक, इट्स अ गुड आइडिया. एंड चने भी थोड़े ना गेड़े आ रहे हैं. यहाँ पे मैंने चाट का स्टेशन बनाया है. ये चने हैं, रेड चटनी, ग्रीन चटनी एंड दही एंड अनार कर रहे हैं और आलू हो रहे हैं. ऑलमोस्ट रेडी है, एक बैच अंदर है, एक ये है कूल. सो समय आता है असेंबल करने का. सबसे पहले मैंने पल्ले ऐड कर लिया, मैं इस पे चने ऐड करूंगी. Let's take it to the start. It was just me and my guitar, a dreamer on the road, no map, just all those stars. I never backed away, I played where I could play. Loneliness befriended me, felt older than my age. I let go a little, I fell for something new. It was sweet for a moment, this love I never knew. He called me little dreamer and said I'd be okay. I let go of my ambitions and promised him I'd stay. Now all of my dreams are floating like a river in my head. At night in bed, talking to myself so wide awake. Oh, he kept telling me to let go of my goals. I never questioned, I just let go of my hopes. And now the vagabond lost herself to love. Oh, my lonely soul. And now I'm watching as he moves on toward the road. And I just wander through this empty town alone. Broken little dreamer, born to roam. Oh, very nice, they did. Very good. So हस्बैंड को मैंने चाट सर्व कर दी है. अब मेरी बारी आती है, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ एंड उसके बाद फिर बनाएंगे पूरी छोले. ओके दोस्तों, समय हो गया पूरी बनाने का. मैंने ना कपड़े चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा लेजी थी, तो मैंने चेंज नहीं किया है. तो ऐसे ही हमने पिक्चर्स क्लिक की हैं, थोड़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पर. आई डोंट नो अगर आपने ऑलरेडी देखी हो. Now all of my dreams are floating like a river in my head. At night in bed, talking to myself. So मैंने ना कुछ दही में डाल लिए हैं पले पति के लिए. He kept telling me to let go of my goals. I never questioned, just let go. ओके सो मुझे लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार होने वाला है जब से हम दोनों इकट्ठे हैं कि हम लोग रात को खाने वाले हैं पूरी. अही नहीं कभी भी खाती भला, अभी झूठ बोल रहा. मेरे पति खा लेंगे और उन्होंने कोई बोला. It's time to go. I think
it's time to go. All of my dreams are floating like a river in my head. At night in bed, talking to myself so wide awake. Oh, he kept telling me to let go of my goals. I never questioned, I just let go of my hopes. And now the vagabond lost herself to love. Oh, my lonely soul. And now I'm watching as he moves on toward the road. And I just wander through this empty town alone. Broken little dreamer, born to roam. Oh, off you go. I think it's time to go. गाइज मैंने लगता पहली बार आ कि साडा डिनर एडा अजीब है. एक्चुअली अर्ली लंच होने वाला था पर चाट खा के पति दी ढिड दी बस हो गई. पति कह रहा कि नहीं मैं और नहीं खा सकता. सो अभी वैसे वो राइस खाना चाह रहे थे पर मैं क्या हूँ मैं आटा गुन्या है तो खा ही लो. क्या चलो भोग लाइए लेट हो गए की करना कमा काजां च बंदा लेट हो ही जांदा. सो बारी आती है मेरे खाने की और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोग डन है कुक विद मी. इसके बाद मैं कुछ कुक नहीं करने वाली हूँ. डिज़र्ट के लिए मैंने कुछ कुक नहीं किया क्योंकि एक तो हम डिज़र्ट के इतने फैन नहीं है. पर मेरे हस्बैंड जलेबियाँ लेके आए थे फ्रेश. आई डोंट थिंक सो आप देख सकते हैं डब्बा पूरी तरह खाली हो चुका है. एक जलेबी बची है इसमें. सो डिज़र्ट ही बना रही हूँ मैं कोई. यस अभी मेरा खाना बाकी है एंड क्लीन करना बाकी है. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. या तो मैं आपको क्लीन करने के बाद मिलूँगी या फिर मैं आपको मेरे व्लॉग में मिलूँगी. देखते हैं क्या करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मेरी क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है. तो इसी तरह हमारी ये वीडियो फिनिश होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें. एंड दिवाली का व्लॉग भी जल्दी ही आ जाएगा मेरे चैनल पे. सो यस मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं. सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बाय, लव यू.